व्हाट इज़ ओसीडी? ओसीडी क्या है? ओसीडी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत से लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो उन्होंने करना ये है कि सबने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, और आपको जो जो इसके बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगी, और इसके सिम्टम्स वगैरह सब कुछ आपको पता चल जाएंगे। अगर आपको भी है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसकी फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये बहुत से लोगों को होती है, और कुछ लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो क्या हुआ, लेकिन आदत तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, आदत बिल्कुल भी नहीं अच्छी। आप सोचें, मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि आप हाथ धोए जा रहे एक टाइम तक हाथ में, जैसे मैं एक दफ़ा हाथ धोऊंगी, ठीक है, खाने से पहले। आप लोगों में से बहुत होंगे जो एक दफ़ा हाथ धोएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं हाथ धोते रहते हैं, बेशक हाथ ख़राब हो जाए, अजीब से उनकी स्किन उतरने लग जाए, लेकिन वो हाथ धोते रहते हैं। और इसमें होता ये है कि वो बार बार इसके, मैं सबसे पहले आपको सिम्टम्स बताने से पहले एक बार बताती हूँ। हमारा जो पिछला सेमेस्टर था उसका जो फाइनल था, उसमें जो साइकोलॉजी की मैम थी, उन्होंने एक पूरा टॉपिक दिया था 15-20 मार्क्स का, और उन्होंने कहा था आप पहले देखें कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये ओसीडी था। उसमें उन्होंने हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया, उसमें बताया कि मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। तो उसमें यह था कि उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया कि एक बंदा था, और मुझे जितना याद है मैं आपको बताती हूँ, उसको हाथ धोने की बहुत आदत थी। तो अगर आप, उन्होंने ऐसे करके क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पर कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट अभी हो जाती हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसका कैसे इलाज करेंगे, मतलब उसे कैसे ट्रीट करेंगे, उसके कैसे ख़त्म करेंगे। तो उसमें बाकी सब ने भी बहुत अपने पहले अच्छे अच्छे ओपिनियंस दिए थे। जो मेरा ओपिनियन ये था, मेरे ख्याल से सबका सिमिलर ही था, क्योंकि इसमें एक ही ओपिनियन होता है। तो उसमें उन्होंने, हमने सब ने देखा जाए तो एक ही ओपिनियन दिया था, क्योंकि हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी दी हुई थी बहुत से लोगों ने। तो इसमें यह दिया था कि आप लोग ना, मतलब अब जो जिस बंदे को बार बार हाथ धोने की आदत है, किसी चीज़ की भी आदत होती है, वो एकदम हट नहीं सकती और वो ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो हम उसे आराम से कम कर सकते हैं, जैसे वो दिन में 20 दफ़ा हाथ धोते हैं ओसीडी में लोग, वाकई में अगर वो 20 दफ़ा हाथ धोते हैं तो हम उसे आहिस्ता आहिस्ता 15 पे लेके जाएंगे, फिर 15 से 10 पे लेके जाएंगे, 10 से 5 पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मल करेंगे, लेकिन वो आदत उसकी ख़त्म नहीं होती, ओसीडी बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होता। तो अब बात करूँगी, मैं बस बताना ये चाह रही थी कि ओसीडी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सबको सिखा सकते हैं, सबको बता सकते हैं, ताकि जिन लोगों को ओसीडी है हम उनको आराम से ट्रीट करें। तो इसमें ये होता है कि बार बार बंदा हाथ होता है, चीज़ों को ऑर्डर करते रहते हैं, बेशक वो ऑर्डर है, लेकिन उन्हें फिर भी ऑर्डर करना, पता नहीं क्या उन्हें होता है कि दिमाग में क्या ऑर्डर करना है, और वो जम्प्स से डरते हैं, मतलब बार बार वो हाथ होते हैं, बार बार नहाते हैं, तो उनका यही होता है कि मतलब वो जंप से पीछे रहें, और उन्हें जब उसकी स्टेज बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जंप्स उन्हें हार्म कर देंगे, उन्हें कुछ हो जाएगा। और बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग डरते भी हैं इस बात से। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब सबसे पहले बताती चलूँ कि ये क्यूरेबल है या नहीं, तो ये क्यूरेबल नहीं है, इसका भी PTSD की तरह है कि आप ट्रीटमेंट से इसे कम कर सकते हैं, और इसको तो बहुत मुश्किल होता है कम करना, क्योंकि बार बार बंदा एक चीज़ को हाथ भी नहीं लगा रहा, उसे इतने ज़्यादा। अगर आप लोगों में से किसी के अंदर ये सिम्टम्स है तो आप लोग कम करें, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।